जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा। वो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू मेक ए टेबल इन HTML वेब पेज। आज थोड़ा सा हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट कुछ और होगा। तो हम लोगों ने पिछले लेसन में टेबल सीखा था और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट स्क्रोलिंग, कैसे हम टेक्स्ट को स्क्रोल करते हैं। आज हम उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है? तो हाउ टू सेट टेक्स्ट स्क्रोलिंग, टेक्स्ट स्क्रोल इन HTML वेब पेज। ओके, ठीक है। आज टेक्स्ट स्क्रोलिंग को देखते हैं कैसे क्या होता है। टेक्स्ट स्क्रोलिंग इट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि टेक्स्ट को एक मूवमेंट देना, एक मोशन देना है, एक जगह वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव कराना ही टेक्स्ट स्क्रोलिंग कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लेआउट तैयार कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा और फिर जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट स्क्रोलिंग। ठीक है, कोड और फिर यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट आप दे सकते हो, ठीक है? तो इसके तरीके में बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्यू और फिर यहाँ पे भी इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? अब इसके बीच में हम टेक्स्ट लिख देंगे। HTML एंड CSS वीडियो ट्यूटोरियल फॉर वेब पेज। ठीक है, एक मैंने टेक्स्ट ऐसे ले लिया सपोज करिए, और फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। अभी रिजल्ट देखते हैं। ये देख, ऊपर हमारा चूंकि हमने H1 टैग लगाया था इसलिए ये टेक्स्ट स्क्रोलिंग हो गया। ये हमारा टेक्स्ट मूव करने लगा, ये जो है जा रहा है, ठीक है? तो ये सिंपल है। इसके लिए आप मार्क्यू टूल का यूज करते हैं और आपका टेक्स्ट मूव करने लगता है, ठीक है? अब इस टेक्स्ट को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसको आप पैराग्राफ में रख सकते हैं, इसको आप जो है क्या कहते हैं हेडिंग में ले सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो सब आपको मालूम है क्या क्या करना है। अगर इसको सपोज करो कि कलर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाइल यूज कर लीजिए, स्टाइल, ठीक है? और यहाँ पे आप यूज करिए जो भी कलर आपको लेना है। सपोज करिए मैं ब्लू लेता हूँ तो यहाँ पे आप ब्लू यूज कर लीजिए, कलर सॉरी कलर ब्लू, आप यहाँ पे कलर ब्लू यूज करिए। ये आप देखिए जैसे कलर आप ब्लू यूज करेंगे तो ये हमारा कलर यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है? बाकी टेक्स्ट वगैरह की मैनेजमेंट तो आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ पाओगे। तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए आप इस तरह का ये यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मार्क्यू भी बोलते हैं और मार्क्यू भी बोलते हैं इस हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? और फिर आपका टेक्स्ट मूव करने लगेगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लर्निंग।